अगर आप राधा कृष्ण की पावन नगरी वृंदावन की यात्रा का मन बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको वृंदावन में आपकी यात्रा सुखद एवं यादगार बनाने के लिए फ्री वृंदावन आश्रम के बारे में जानकारी देंगे। अगर आप उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ वृंदावन की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो अवश्य ही आप वहां ठहरने के लिए उचित स्थान की तलाश में होंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं गोपाल चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ब्रज आस्था में। और हम और आप आज जानेंगे वृंदावन में रहने के लिए अच्छे बढ़िया आश्रमों के बारे में। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के साथ में, चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवान कृष्ण की इस प्रसिद्ध नगरी में ठहरने के लिए अनेकों होटल, लॉज, धर्मशालाएँ, आश्रम इत्यादि उपलब्ध हैं, परंतु यहाँ पर हम आपको जानकारी देंगे कि वृंदावन में सबसे अच्छे आश्रम कौन से हैं जो फ्री या बहुत कम खर्चे में यात्रियों और राहगीरों को रुकने की व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। पर उससे पहले हम इस पवित्र धाम के बारे में कुछ रोचक बातें समझेंगे और साथ ही जानेंगे इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक ऐतिहासिक शहर है जिसे हम वृंदावन के नाम से जानते हैं। ब्रज के नाम से प्रसिद्ध यह नगरी भगवान कृष्ण को समर्पित है। हिंदू धर्म के अनुसार श्री कृष्ण ने अपने बचपन का अधिकतर वक्त यहीं पर बिताया है। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों विष्णु पुराण, श्रीमद् भगवत, हरिवंश पुराण आदि में वृंदावन की महिमा का बखान किया गया है। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि कंस के अत्याचारों से बचने के लिए नंद जी पूरे गोकुलवासियों सहित वृंदावन में रहने के लिए आए थे। वृंदावन कृष्ण की बाल लीलाओं और उनकी रास लीलाओं के लिए जाना जाता है। मथुरा से 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में आगरा दिल्ली हाईवे के पास यह शहर यमुना नदी के तट पर बसा है। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र नगरों में से एक के रूप में प्रसिद्ध यह शहर मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर लगभग 5000 मंदिर हैं जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित हैं। इसके अलावा वृंदावन को वैष्णव धर्म के पावन स्थानों में से एक भी माना जाता है। तो आइए बात करते हैं वृंदावन में रहने के लिए उपयुक्त फ्री आश्रमों की। तो मित्रों, नंबर एक पर आता है मलूक पीठ जी स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज आश्रम। यह आश्रम वृंदावन के बहुत नामी बिजनेसमैन मलूक पीठ जी स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज द्वारा बनवाया गया है। उन्होंने वृंदावन में बहुत से प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया है। यहाँ पर यात्रियों की सर्वोत्तम आवास की सुविधा के साथ साथ 3 टाइम 9 बजे, 11:30 बजे और 8:30 बजे का भोजन भी कराया जाता है। यह आश्रम मलूक पीठ जी स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज आश्रम वृंदावन के आश्रमों में सबसे खूबसूरत सुंदर आश्रम है। यहाँ के संत श्री राजेंद्र दास जी को लोग भगवान की तरह पूजते हैं और उन्हें पूर्ण ज्ञानी और महान विद्वान का दर्जा भी प्राप्त है। अगर आप वृंदावन में भक्तिमय वातावरण के साथ शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो यह आश्रम आपके लिए उचित चुनाव हो सकता है। इस आश्रम का एड्रेस है वृंदावन HO वृंदावन 281121 नियर संत कॉलोनी। इसका ओपनिंग समय है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट पर जाकर भी पता कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है https://malukpeeth.com। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है सुदामा कुटी आश्रम। सुदामा कुटी आश्रम यमुना नदी के तट पर बांके बिहारी मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर यात्रियों को रुकने के लिए फ्री में उत्तम व्यवस्था है। इस आश्रम में लोगों को अच्छे AC रूम के साथ ही सारी सामान्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। वृंदावन के आश्रम सुदामा कुटी पर लोगों को दोनों टाइम का मुफ्त भोजन के साथ साथ अन्य सुविधाएँ भी दी जाती हैं। इस आश्रम का वातावरण बहुत ही उत्तम, शांत और भक्तिमय है जो लोगों को आकर्षित करता है। यहाँ पर रहने वाले संतों की वजह से यहाँ का वातावरण दिव्य बना रहता है। आश्रम में साफ सफाई का सर्वोत्तम ख्याल रखा जाता है। सुदामा कुटी आश्रम में एक गौशाला भी है जिसमें लगभग 7500 गायें हैं। इस आश्रम का एड्रेस है लोई बाजार वृंदावन 281121 नियर महादेव टेम्पल। टाइमिंग 24 आवर्स है, कभी भी आप प्रवेश कर सकते हैं। नंबर 3 पर है श्री कृष्ण कृपा धाम आश्रम। श्री कृष्ण कृपा धाम आश्रम वृंदावन धाम की यात्रा करने वाले यात्रियों के ठहरने के लिए एक बहुत ही उत्तम स्थान है।
यहाँ पर न के बराबर कीमत में एसी और नॉन एसी रूम उपलब्ध हैं। आश्रम में आवास की व्यवस्था के साथ साथ एक हॉल भी है जहाँ पर समय समय पर भागवत कथा होती रहती है। वृंदावन के आश्रम श्री कृष्ण कृपा धाम से वृंदावन के सभी मुख्य मंदिर 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यहाँ के गुरुओं और संतों की वजह से इस आश्रम का वातावरण अत्यधिक दिव्य और भक्तिमय है, जो यात्रियों को शांति प्रदान करता है। आश्रम परिसर में साफ सफाई का भी सर्वाधिक ध्यान रखा जाता है। इस आश्रम का एड्रेस है परिक्रमा मार्ग शीतल छाया रोड वृंदावन HO वृंदावन 281121 संत कॉलोनी, और इसका टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक। नंबर 4 पर है वृंदा कुंज आश्रम। वृंदा कुंज अच्छे वृंदावन के आश्रमों से में से एक है। यहाँ का प्रबंधन यात्रियों को ठहरने के लिए बहुत ही उत्तम सुविधा प्रदान करता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार एसी या नॉन एसी रूम का चुनाव कर सकते हैं। सिर्फ कुछ ही रुपयों में यहाँ पर 3 समय का अच्छा और स्वादिष्ट भोजन दिया जाता है। श्री वृंदा कुंज आश्रम शहर के सभी प्रमुख मंदिरों से नज़दीक में ही बना हुआ है। भरतपुर पैलेस भी आश्रम से 4 मील की दूरी पर है। साथ ही यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी 33 किलोमीटर है। आश्रम के पास बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं। तो वृंदावन में अपने विजिट को शांति के साथ एंजॉय करने के लिए यह आश्रम आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। इसका एड्रेस है नंबर 146 भूत गली गोपेश्वर रोड वृंदावन मथुरा। इसका टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक है। इसकी वेबसाइट भी है वृंदाकुंज.org, इस पर विजिट कर सकते हैं आप। अब नंबर 5 पर आता है मोहियाल आश्रम। मोहियाल आश्रम वृंदावन में रुकने के लिए बहुत कम कीमत में सर्व सुविधा युक्त जगह है। हर रूम में बाथरूम गीजर और एसी की भी सुविधा दी जाती है। यहाँ का स्टाफ बहुत ही अच्छा और आश्रम में रुकने वालों का पूरा ध्यान रखा जाता है। मेन रोड से दूर होने की वजह से आश्रम में बहुत शांति रहती है। रूम्स में प्राकृतिक हवा और लाइट आसानी से आती जाती है, जिसके वातावरण बहुत ही पवित्र और खुशनुमा रहता है। यहाँ पर रुकने वालों के रिव्यू की वजह से मोहियाल आश्रम का नाम वृंदावन के आश्रम की लिस्ट में शुमार है। यहाँ का एड्रेस है प्लॉट नंबर 23 आश्रम बिहार नियर ओमेक्स क्रॉसिंग छटीकरा वृंदावन रोड वृंदावन। ओपनिंग टाइम इसका 24 आवर्स है, आप कभी भी यहाँ जा विजिट कर सकते हैं। और वेबसाइट है इसकी www.mohiyal.com। आश्रमों की लिस्ट में नंबर 6 पर आता है धानुका आश्रम। धानुका आश्रम वृंदावन के आश्रम के सबसे पुराने आश्रमों में से एक है। यहाँ पर यात्रियों के ठहरने की बहुत कम कीमत में उत्तम सुविधा के साथ ही स्वादिष्ट भोजन भी दिया जाता है। धानुका आश्रम प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल से बहुत नज़दीक स्थित है। यह वृंदावन के आश्रम दर्शनार्थियों के रुकने के लिए बहुत अच्छा स्थान है। आश्रम का स्टाफ बहुत अच्छा और कोऑपरेटिव है, जो हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहता है। इसका एड्रेस है परिक्रमा मार्ग वृंदावन HO वृंदावन 281121 नियर इस्कॉन टेम्पल रमन रेती। इसका टाइमिंग है सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक। अब बात करते हैं अपने 7वें आश्रम महेशानंद सोम आश्रम के बारे में। महेशानंद सोम आश्रम धाम में वृंदावन दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए उपयुक्त जगह है। यहाँ पर लगभग 500 रूम्स हैं, जहाँ पर यात्रियों के रुकने के लिए सारी जरूरी सुविधाएं हैं। इस आश्रम में फ्री रूम्स के साथ साथ लोगों को फ्री में खाना भी उपलब्ध करवाया जाता है। परिक्रमा मार्ग के पास स्थित यह आश्रम नेशनल हाईवे से कनेक्ट करता है। यहाँ पर पूरे आश्रम की साफ सफाई और स्वच्छता का सर्वाधिक ध्यान रखा जाता है। अगर आप अपने घर से दूर रहकर भी घर वाली फीलिंग चाहते हैं तो यह वृंदावन के आश्रम महेशानंद सोहम आश्रम आपके लिए सही चुनाव हो सकता है। इसका एड्रेस है वृंदावन HO वृंदावन 28/11/21 नियर संत कॉलोनी। इसका समय है सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक। इसकी वेबसाइट है www.sohamashramvrindavan.beevli.com। 8वें नंबर पर आता है श्री राधा कृष्ण धाम आश्रम। इस्कॉन गौशाला परिक्रमा मार्ग के ठीक पीछे स्थित श्री राधा कृष्ण धाम आश्रम वृंदावन में रुकने के लिए बहुत सुलभ जगह है। यहाँ पर न के बराबर कीमत में राधा कृष्ण के भक्तों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। श्री राधा कृष्ण धाम आश्रम वृंदावन शहर के सभी मुख्य मंदिरों के केंद्र में स्थित है। साथ ही ये रेलवे स्टेशन से और
बस स्टैंड से बहुत नज़दीक है। यहाँ पर लोगों को फ्री कार पार्किंग, चिल्ड्रन पार्क और वाईफाई की सुविधा भी दी जाती है। बच्चों के मनोरंजन के लिए डॉल्फिन वाटर पार्क और बड़ों के लिए शॉपिंग के लिए लगभग 200 स्ट्रीट साइड पर दुकानें हैं। इसका एड्रेस है छटीगरा रोड, वृंदावन, नियर PL सराफ हॉस्पिटल। इसका टाइमिंग है 24 आवर्स, कभी भी आप जाकर के एंट्री कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है radhakrishnadham.in। तो दोस्तों, ये थी आश्रमों की लिस्ट जो वृंदावन में फेमस हैं और कम पैसे में अच्छी व्यवस्था मुहैया कराते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, एवं वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी तरह की धार्मिक वीडियोज आप तक पहुँचती रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में अगले स्थान पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।